गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी हुई है महिंद्रा XUV 700 का ब्लेज एडिशन 2024 का लेटेस्ट वेरिएंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। और ये जो वेरिएंट हमारे सामने खड़ा हुआ है वो है आपका AX7L डीजल के अंदर, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। लेकिन ये जो है हमारा कैप्टन सीट्स वाला नहीं, अपना एक बेंच टाइप सीट्स वाला वेरिएंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जो इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसकी एक शोरूम ऑनर कॉल भी मैं आपको बताने वाला हूं, और आपको इस ब्लेज एडिशन के अंदर क्या क्या देखने को मिलने वाला है वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभी मैं हूं आपका आत्माराम महिंद्रा पे, स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मेरे को ये गाड़ी प्रोवाइड करी और अब तक जो मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंचा पा रहा हूं। अगर आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो आप आके यहां पे चेकआउट कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं एक्साइटिंग ऑफर्स को एंड डील्स को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके आगे के लुक से। तो यहां पे आप देखेंगे कि अब आपको यहां पे एक तो नया कलर देखने को मिलेगा और एक नई थीम सी आपको देखने को मिल जाएगी XUV 700 की। तो भाई सबसे पहले ये चीज चेकआउट करो, पूरी ब्लैक्ड आउट आपको यहाँ पे जो है ग्रिल देखने को मिलेगी, डी क्रोम्ड अपनी सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ट्विन पीक का लोगो और इतना बढ़िया यहाँ पे पियानो फिनिश में जो है ग्रिल देखने को मिलेगी। उसके बाद अपनी लाइट की बात करें तो वही अपनी सिमिलर लाइट देखने को मिलेंगी, इस तरीके से दो बार ब्लिंक करेंगी, यहीं से आप लाइट्स को भी ऑन कर सकते हैं अपनी चाहे तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपके फ्लोटिंग इंडिकेटर वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, आप चाहे तो यहीं से अपनी लाइट्स ऑन करें, अभी नहीं हो रही किसी वजह से, लेकिन यहाँ पे आपको लाइट ऑन वाला फंक्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर इंडिकेटर की बात करें तो स्वाइपिंग इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ अपने फॉग लाइट, इसके अंदर आपको कॉर्नरिंग लैंप वाला फीचर भी देखने को मिलेगा। AX7L है तो यहाँ पे आपको एडास लेवल 2 देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे की तरफ सोनार है, ऊपर कैमरा है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप इस कलर को जरा ध्यान से देखो, मरून सा लग रहा है दिखने में, और अगर बात करें वैसे तो ये ब्राउन सा कलर भी दिखने में लग रहा है, अलग ही कलर है। और अगर मैं इसकी फिनिश की बात करूँ ना तो ये जो है ना पास में जाके आप जब इसे छूके देखेंगे तो आपको मैट फिनिश देखने को मिलेगी, हल्की सी मिट्टी लग रही है, गंदी हो रही है, प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। साइड प्रोफाइल पर आएंगे तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे आपको अलॉय देखने को मिलेंगे, ब्लैक्ड आउट अलॉय है, ट्विन पीक का लोगो है। टायर साइज की बात करी जाए तो यहाँ पे मिलेगा आपको 235/60R18 का टायर। उसके बाद आपको आगे डिस्क मिलेगी, पीछे भी आपको डिस्क देखने को मिलेगी, ब्लैक्ड आउट आपको यहाँ पे OVM देखने को मिलेंगे, और कलर भाई कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो ब्लेज की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे गेट पे देखने को मिलेगी, एक ऐसा पहाड़ जैसा कुछ बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ऊपर की तरफ आपको ब्लैक्ड आउट रूफ देखने को मिलने वाली है, ब्लैक्ड आउट अपनी रूफ रेल्स, पैनोरामिक सनरूफ आपको ऑफर करी गई है। उसके बाद यहाँ पे 360° कैमरा का भी सेटअप देखने को मिलेगा। AX7L है तो इस तरीके से आपके सारे डोर हैंडल बाहर आ जाते हैं, इस तरीके से अंदर चले जाते हैं, यानी कि आपको पैसिव एंट्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लैडिंग वगैरह सारी चीजें। पीछे की तरफ आपको डिस्क देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको पीछे भी 18 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा। आएंगे रियर लुक पे तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे आपको रियर लुक देखने को मिलेंगे, ठीक है। रियर वाइपर, डीफॉगर, हाई मोटर स्टॉपिंग लैंप, वॉशर फ्लूइड का आउटलेट, शार्क फिन एंटीना, क्लॉथ ब्लैक फिनिश में आपको सारी चीजें ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगी। आधी गाड़ी आपकी काली, आधी आपकी मरून या ब्राउन सा कलर की भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ब्लेज एडिशन लिखा हुआ देखने को मिलेगा, बहुत ही अलग कलर है, ब्राउन कह लो या डार्क मरून कह लो, अजीब सा कलर है लेकिन देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। XUV 700 सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपको ब्लैक आउट देखने को मिलेंगी। अगर बताओ ना पहले XUV 700 में यहाँ पे नीला नीला आता था, यहाँ पे देखो इसमें ब्लैक कलर का देखने को मिल रहा है। AX7L की ब्रांडिंग, यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोइंग हुक का ऑप्शन, कैमरा की प्लेसमेंट। उसके बाद यहाँ पे अगर बूट की बात करूँ तो इस तरीके से आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो वही सेम देखने को मिलती हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपना इस तरीके से टूल किट, अपनी ये 7 सीटर गाड़ी है, 1, 2, 3 बीच में, 2 पीछे, इस तरीके से 5, 6, 7 लोग आप आराम से बैठ के जा सकते हैं। ब्लोअर के कंट्रोल्स, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे अपने ब्लोअर्स, 12 स्पीकर का साउंड सिस्टम, ये सारी चीज़ें मैं अंदर बैठ के आपको बता ही दूंगा। इस तरीके से बंद किया, ये कहानी हो गई। इधर आते दूसरी तरफ, कुछ इस तरीके से दूसरी तरफ के लुक्स हैं, प्यारी लग रही है भाई, ये कलर जच रहा है, एक नंबर लग रहा है देखने में। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा आपको डीजल का, ये देखिए। यहाँ पे आपको DEF का टैंक भी देखने को मिलेगा 20 लीटर का। उसके बाद एड्रेनॉक्स की बैजिंग, उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से विंडो पेन वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये है अपने दूसरी तरफ की प्रोफाइल, इस तरीके से यहाँ पे अपना एक और कैमरा, 360° कैमरा का सेटअप आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको इसका इंजन बे दिखा देता हूँ। तो अपना यहाँ पे आपको मिलता है 2200cc का इंजन, डीजल इंजन, एमॉक इंजन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर मैं उसके पावर फिगर की बात करूँ तो 180 bhp, इस तरीके से यहाँ पे आपको इंजन बे देखने को मिल जाता है। यह है अपना 4 सिलेंडर वाला एमहॉक इंजन, इसके अंदर भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। बहुत ही क्लीन इंजन भी है, प्रॉपर थड़ के साथ बंद हो गया। अपने फ्लेक्सिबल वाइपर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं पावर फिगर की बात करूँ यहाँ पे इसके इंजन की तो 180 bhp आपको देखने को मिल जाती है। और उसके बाद अगर मैं इसकी टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 350 Nm का टॉर्क,
50 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर अंदर चलना है तो गाड़ी के यहाँ पे आप जाएंगे डोर के पास, इस तरीके से दबाएंगे तो अंदर चला गया, अभी मतलब लॉक हो गई है गाड़ी, और इस तरीके से दबाने पे खुल जाता है। इस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। AX7L के अंदर आपको ये फीचर जो है ना बड़ा प्यारा लगेगा देखने में, कि आपने ऐसे दबाया और ये बंद हो गया, उसके बाद दोबारा दबाएंगे तो खुल जाएगा। पॉपअप वाले हॉर्न आपको यहाँ ऑफर करेगा। ब्लेज एडिशन के अंदर आपको जो इंटीरियर है ना वो भी बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा। रेड कलर के इंसर्ट्स आपको जगह जगह पे दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर की स्टिचिंग, रेड कलर का इंसर्ट, रेड नहीं है ये भी, थोड़ा सा मरूनिश टाइप में है, रेड नहीं लग है ये, थोड़ा सा ये मरून साइड पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप सीट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ऐसे मरून का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, स्टिचिंग पे रेड, इस तरीके से बहुत सारे इंसर्ट देखने को मिलेंगे। सेंटर में भी आपको मरून का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, बड़ा प्यारा इंटीरियर कर दिया। चलो गाड़ी के अंदर, उससे पहले यहाँ पे बात कर लेते, ग्लॉस ब्लैक की फिनिश, पावर विंडो के कंट्रोल, लॉक अनलॉक का ऑप्शन, विंडो को लॉक करने का ऑप्शन, पियानो फिनिश, यहाँ पे मर्सिडीज स्टाइल अपनी सीट के एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, अप टू मेमोरी 3 फंक्शंस, यहाँ पे आपको ब्लैक डॉट डी क्रोम अपना, यहाँ पे डोर हैंडल देखने को मिलेगा, सॉफ्ट टच मिल रहा है, यहाँ पे हार्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, यहाँ पे एक आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल रहा है पीछे के लिए, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सोनी के 12 स्पीकर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बैक सपोर्ट के लिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वेलकम फीचर था, जैसे मैंने गेट खोला सीट जो अपने पीछे चली गई। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर की कहानी कुछ इस तरीके की देखने को मिलने वाली है। गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट, ये हो गई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी कहानी देखने को मिलेगी। फुल स्वाइप यहाँ पे आपका देखा हुआ, आपने देखा होगा कि पूरा स्वाइप अप किया, तो ये सारी वही चीज़ें अपनी 2 स्क्रीन देखने को मिलेंगी, 10 इंच वाली। उसके बाद यहाँ पे एड्रेनॉक्स देखने को मिलेगा, एप्पल का प्ले देखने को मिल जाएगा, और अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलेंगी, यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको, इस तरीके से ये देख रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे दूसरी साइड की सीट का कंट्रोल, बाकी सारी एसी के कंट्रोल्स भी आप यहीं से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल का प्ले देखने को मिलेगा, तो यही वही सिमिलर चीज़ें हैं बाकी। उसके बाद यहाँ पे जो इंटीरियर है वो पूरा ग्लॉस ब्लैक में देखने को मिलेगा, साइड में आपको मैरून का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे डायल पे भी आपको जो है मैरून का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। लेवर की बात करें तो ये भी आपका सिंपल रहने वाला है, इसके अंदर कोई रेड कलर की स्टिचिंग नहीं दी गई है, ठीक है। उसके बाद हैंडल्स पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको रेड कलर की स्टिचिंग मिलेगी, अंदर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से स्पेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे रेड कलर की स्टिचिंग, दूसरी तरफ भी आपको रेड कलर की स्टिचिंग देखने को मिलेगी। ये आपका मैनुअल डे एंड नाइट वाला देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैमरा की प्लेसमेंट है, तो ADAS लेवल 2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे मिलेंगे क्रूज के कंट्रोल, यहाँ पे मिलेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स, यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। इधर की तरफ आपको हिल डिसेंट कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करी जाती ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी देखने को मिलेगा डुअल जोन के साथ। उसके बाद नीचे कुछ बटन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे हैजार्ड लाइट के लिए बटन है, 360 डिग्री कैमरा, यहाँ पे स्क्रीन सेवर और ड्राइव मोड, 3 मोड्स आपको देखने को मिलते हैं, जिप जैप जूम, आराम से आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जूम मोड यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है, जो कि निकालता है आपको प्रॉपर 180 bhp। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स, उसके बाद हॉट होल्ड फीचर के साथ यहाँ पे आपको रिवर्स गियर पे इस तरीके से पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा। अडैप्टिव गाइडलाइंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, इस तरीके से आप चीजें चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड, यहाँ पे आपको इस तरीके थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर, LED लाइट्स के साथ, उसके बाद यहाँ पे आपको एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मिलेगी आपको एक वैनिटी मिरर विद लाइट, दूसरी तरफ नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे सिर्फ आपको टिकट होल्डर ही देखने को मिलेगा। इस तरीके से बड़ी सी यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगी, जो पर्पस जो है इसका वो प्रॉपर सॉल्व कर देती है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो धूप में थोड़ा सा दिखा होगा आपको, मैरून मैरून सा ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे सीट में देखने को मिलेगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है ब्लेज यानी कि एक माउंटेन टाइप का देखने को मिल रहा है, देख रहे सीट के ऊपर यहाँ पे, और हर सीट पे आपको देखने को मिलेगा। ये है आपकी महिंद्रा XUV 700 AX7L ब्लेज एडिशन, यानी कि AX7L का मतलब हो गया टॉप मॉडल डीजल का। अब चलते हैं पिछली सीट पे, पिछली सीट पे चल के चेक कर लेते हैं कि कैसा आपको सिस्टम देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे आपको वही सारी ब्लैक्ड आउट चीज़ें देखने को मिलेंगी, सॉफ्ट टच मिलेगा, पियानो की फिनिश देखने को मिलने वाली है। उसके बाद बॉटल होल्डर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, स्पीकर आपको देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पे जो है हल्का हल्का सा यहाँ पे रेड कलर का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। ये देखिए स्पेशल यहाँ पे बैजिंग कर रखी है ब्लेज एडिशन की महिंद्रा ने, देखो ब्लेज और एयरबैग। एयरबैग की बात करें तो 6 एयरबैग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे एडजस्टेबल सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। स्पेसिंग की बात करें तो अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको मास्टर कंट्रोल भी देखने को मिलता है आगे वाली सीट के लिए, आपको वो भी चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप बैठेंगे इस जगह पे
तो देखिए यहाँ पे आपको मिलता है मास्टर कंट्रोल, जैसे कि आप आगे वाली सीट के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दो एसी वेंट, सी टाइप वेंट, सी टाइप चार्जिंग सॉकेट, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एलईडी लाइट का ऑप्शन, यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद हुक, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल विद हुक, यहाँ पे एक और अपना यहाँ पे इस तरीके से एलईडी लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये है एसआरएस की बैजिंग, 6 एयर बैग, उसके बाद यहाँ पे आपको 12 स्पीकर का सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कहानी हो जाती है। तो ये थी कुछ इसकी कहानी, एक बार पूरा आप डैशबोर्ड चेक कर लीजिए, कुछ इस तरीके का पूरा आपको डैशबोर्ड देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या रहने वाली है। अगर मैं इसकी एक शोरूम कॉस्ट की बात करूँ तो ये एक शोरूम कॉस्ट करती है आपकी 26,06,000 रुपए की, 26,04,000 रुपीज है इसकी एक शोरूम कॉस्ट। अगर मैं इसकी ऑन रोड कॉस्ट की बात करूँ तो ये ऑन रोड कॉस्ट करती है आपकी 31 लाख रुपए, 31 लाख रुपीज जो है इसकी ऑन रोड कॉस्ट है यहाँ आगरा में, यूपी में। और अभी मैं आऊँ आपका आत्माराम महिंद्रा पे, स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मेरे को ये गाड़ी प्रोवाइड करी और अब तक जो है मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंचा पा रहा हूँ। अगर आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो आप आके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं एक्साइटिंग ऑफर्स को एंड डील्स को। तो कैसी लगी गाड़ी, कैसी लगी वीडियो, मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कार बाइक या गाड़ी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये ब्लेज एडिशन आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा।